यूएस के लोग आजकल यहाँ आ रहे हैं, दुबई के आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के आ रहे हैं। अब ये चाइना का मैं आपको एक नया एग्जांपल बता रही हूँ कि वो चाइना से कनाडा शिफ्ट हुए हैं। यही पांच बातें अट्रैक्ट करती हैं। और सबसे बड़ी बात, हम लोग आते साथ ही, हम लोग कोविड के टाइम आए थे, तो जब आए तो काफी सारा जॉब ऑप्शन था, बट विद इन सिक्स मंथ सारे गायब हो गए। तो हम लोग का जॉब नहीं था फॉर सिक्स मंथ्स। तो मैंने गूगल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन किए, गूगल एनालिटिक्स का सर्टिफिकेशन किया, ऑलमोस्ट वन ईयर तक पढ़ाई की। हस्बैंड के क्रेडिट कार्ड से हर चीज सामान खरीद जा रहा और लेट से वाइफ अपना कार्ड यूज नहीं कर रही पर उनके पास है। तीन बच्चे हैं तो $1500 सिर्फ बच्चों के आ रहे हैं और बच्चों की फीस कुछ नहीं है, फ्री में बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आपके माइंड में ये चीजें कब आई कि हमें कनाडा जाना है? आप मैरिड थे, आपकी फैमिली में कौन कौन था और आपने मतलब कैसे प्रोसीडिंग शुरू की? वेलकम बैक टू माई चैनल। तो जो आज का वीडियो है, मैं एक नया कंसेप्ट शुरू करने जा रही हूँ। मैं हर हफ्ते एक ऐसा वीडियो पोस्ट करूंगी जो कि ये रहेगा कि मैं यहाँ के जितने भी इमिग्रेंट्स हैं जो यहाँ पर माइग्रेट हुए हैं उनके बारे, उनके विचार, उनका एक्सपीरियंस, उनके स्ट्रगल, वो सब कुछ शेयर करूंगी ताकि आपकी जर्नी थोड़ी सी आसान हो सके। उसी को ही स्टार्ट करने के लिए जो मेरे सबसे पहले इंटरव्यूअर हैं, जो जिनका मैं इंटरव्यू लेने लगी हूँ, वो है मिस सुमन। तो ये मेरी, जहां पर मैं सिटी में रहती हूँ वहीं पर ही रहते हैं और मैं कुछ पांच क्वेश्चंस कवर करूंगी इसके बीच में, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। नंबर वन मैं यही कि कनाडा आने का मेन जो इनका मोटिव था वो क्या था, माइंड में क्या चीजें थी जो इनको अट्रैक्ट कर रही थी और ये कनाडा आने के लिए इन्होंने प्रोग्राम्स में अप्लाई किया और कौन से प्रोग्राम में अप्लाई किया, तो मेन यही रहेगा। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये होगा कि फिर इनका कब फाइल लगी और कब किस प्रोग्राम के अंदर अप्रूवल हुआ और जब ये यहाँ आए तो किस प्रोविंस में आए। थर्ड क्वेश्चन मेरा रहेगा सारा स्ट्रगल का, जॉब का स्ट्रगल, ड्राइविंग का स्ट्रगल, कार का स्ट्रगल, क्या क्या स्ट्रगल इन्होंने फेस किए। और जो मेरा फोर्थ क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा कि सबसे पहले इनकी अकोमोडेशन क्या थी और फिर उससे बेटर इनको क्या लाइफ मिली और क्या ये मतलब इस लेवल से इस लेवल तक पहुंच पाए और कितने टाइम पे पहुंच पाए। और जो फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन होगा वो ये होगा, क्या कनाडा आना वर्थ था, क्या वो डिसीजन ठीक था, क्या उन्होंने जो डिसीजन लिया था ठीक था। तो वो मैं कवर करूंगी, यही पांच क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगी। सबसे पहले मैं इनकी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये सुमन है और मैंने आज इनसे बात की और मुझे लगा कि सबसे पहले मैं इन्हीं से बात करती हूँ क्योंकि अवेलेबल थे। और ऐसे ही मैं हर हफ्ते प्रेफर रहेगा मंडे, मेरे, मैं शिव भगवान को मानती हूँ तो मंडे को ही मैं ये कॉफी विद करण होता है तो कॉफी विद न्यू इमिग्रेंट्स करूंगी ताकि उनका एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। तो फर्स्ट जोन सा मैं क्वेश्चन अभी शुरू करने जा रही हूँ इनसे कि आपके माइंड में ये चीजें कब आई कि हमें कनाडा जाना है? आप मैरिड थे, आपकी फैमिली में कौन कौन था और आपने मतलब कैसे प्रोसीडिंग शुरू की? थैंक यू योगिता, अच्छा लगा। मैं बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले जैसे ही हम लोग की शादी हुई तो काफी जगह हम लोग घूमे फिरे। उसके बाद जब प्रेग्नेंट हुए, उसके बाद बेबी होने का प्लान, बेबी हुआ तो उसके बाद हमने सोचे कि नहीं, अभी हम लोग को थोड़ा बेटर लाइफ चाहिए, थोड़ा सिक्योर लाइफ चाहिए जहाँ पे बच्चे का अच्छा एजुकेशन हो सकता था। तो उसके लिए हम लोगों ने ऑप्शन सर्च किया कि कौन कौन से डेवलप्ड कंट्रीज है, उसमें से यूएस का काफी लंबा लाइन था तो नेक्स्ट ऑप्शन था कैनेडा का। तो कैनेडा में काफी जल्दी मिल जाता था पीआर, तो रिलेटिव भी, फैमिली मेंबर भी यहीं पे थे। तो फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया प्रोसेस, अप्रोक्सीमेटली 1.5 ईयर लगा पूरा प्रोसेस को कंप्लीट होने में और हम लोग ने चाइना से कनाडा मूव किया। तो आपने चाइना मतलब इंडिया से चाइना किस सन में गए थे और कैसे गए, कैसे मतलब आपका प्रोग्राम बना, कोई जॉब वगैरह लगी थी आपकी? हाँ, हम लोग इंडिया में थे, फिर वहां से जॉब अपॉर्चुनिटी आई कि चाइना में आपको आईटी का काम करना है, तो वही सोच के हम लोग चाइना घूमने भी गए और साथ भी साथ जॉब भी था तो चले गए। और फिर हस्बैंड का जॉब था वहाँ पे और मेरा, मैंने वहाँ पे बिजनेस खोला, मार्केटिंग बिजनेस। वहाँ पे 5 साल हम लोग थे और काफी, 2-3 साल रहे हो आप तो वहाँ पर, मतलब क्या स्टेटस था आपका? मैं हस्बैंड का था वर्क परमिट में, मेरा था बिजनेस वीजा। अच्छा, बिजनेस वीजा। तो वो फिर 5 साल रहने के बाद आपका क्या मन बना कि हमें कनाडा आना है और वो सब कुछ चाइना जैसी कंट्री से?
चाइना तो काफी डेवलप्ड है, काफी ज्यादा। फिर वहां से हम लोग जब बेबी डिलीवरी हुआ, फिर हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा स्टेबल जगह चलते हैं जहाँ पे एजुकेशन अच्छा हो। तो हम लोगों को लगा कि कनाडा वुड बी बेटर ऑप्शन। यहाँ पे एजुकेशन भी होता है, प्लस गवर्नमेंट स्पॉन्सर भी करती है, और हायर एजुकेशन के लिए भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। तो वही प्लान करके लिए कि बच्चा भी छोटा है, तो उसको अभी से इस एनवायरनमेंट में जब बढ़ेगा तो शायद उसका मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगा, और हायर एजुकेशन के लिए हम लोग को थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा प्रिपेयर करने के लिए। आपको चाइना में नहीं ऐसा लगा कि ये अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है? मतलब आपको वो ऐसा है कि कनाडा देश इतनी अपॉर्चुनिटीज देता है जितना चाइना नहीं देता, ऐसा है वहां पर भी? एक तो सबसे बड़ा वही रहता है कि लैंग्वेज रहता है कि वहाँ पे चाइनीज लैंग्वेज सीखना पड़ता है। प्लस वहाँ पे पढ़ने के लिए आपको मतलब प्राइवेट स्कूल्स में जाना पड़ेगा जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ पे कंपेयर टू कनाडा वो फ्री है, तो इसीलिए बेटर रहता है कि इस साइड आ जाए ताकि एजुकेशन में इतना खर्चा ना लगे, एंड वो ही पैसा सेव करके हायर एजुकेशन में लगाए। तो वही मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूंगी कि जो जब भी कोई बंदा मूव होता है ना कनाडा, तो कुछ पांच छह बातें जो माइंड में होती है ना वो यही है। जब मैं यहाँ आई तो मुझे रियलाइज हुआ, जब मेरा बच्चा फ्री में एजुकेशन ले रहा था ना, और हमें वहां पर मंथली बहुत बड़ी रकम देनी पड़ती थी इंडिया में, तो हमें लगा कि फ्री एजुकेशन, मतलब फ्री एजुकेशन हर पेरेंट्स का सपना होता है, फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल। और कनाडा गवर्नमेंट बहुत ऐसे इंसेंटिव देती है, जैसे मैं लो इनकम ग्रुप में थी, मेरे को पिछले दो तीन महीने में बहुत अच्छे पैसे आ चुके हैं, डिफरेंट प्रोग्राम है CRA की तरफ से, मतलब मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, मेरे को रिफंड हुआ है। टैक्स कहते हैं, टैक्स बहुत होता है, बट जो लो इनकम ग्रुप है उनको टैक्स वापस रिफंड भी होता है। हम मेरे को मेरे 3300 मेरे को रिफंड हुआ। तो ऐसे बड़ी सारी ऐसे इंसेंटिव है जो कनाडा गवर्नमेंट देती है, जो कि अदर डेवलप कंट्रीज से बेटर है। और यूएस में भी यही है, यूएस के लोग आजकल यहाँ आ रहे हैं, दुबई के आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के आ रहे हैं। अब ये चाइना का मैं आपको एक नया एग्जांपल बता रही हूँ कि वो चाइना से कनाडा शिफ्ट हुए हैं, यही पांच बातें अट्रैक्ट करती हैं। और सबसे बड़ी बात जो ये लोनलीनेस है ना, इंसान को खा जाती है। यहाँ पर हमारी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, आप बाहर निकल जाओगे आपको गोरे, पंजाबी, मुस्लिम सब मिल जाएंगे, मतलब आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो तो आपको वैसा फीलिंग नहीं आती है कि आप एक पराए देश में बैठे हो। तो दैट्स बिगेस्ट बेनिफिट जो कि कनाडा में शिफ्ट होने के लिए हमें अट्रैक्ट करता है। तो ये उन्होंने फिर चाइना से यहाँ पर आने के लिए प्रोग्राम सेलेक्ट किया। कौन सा प्रोग्राम के अंदर आए थे आप? हम लोग ने एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आए थे, वो प्रोसेस अराउंड 1.5 ईयर्स लगा। तो आपने एक्सप्रेस एंट्री का सोचा, आपकी एज क्या थी तब? हम लोग मेरी थी 30, मेरे हस्बैंड की थी अराउंड 34। वहाँ पे टारगेट रहता है कि बिफोर 35 अप्लाई करना रहता है, नहीं तो उसके पॉइंट घटना चालू हो जाते हैं। एक्सप्रेस एंट्री का एक मेन है कि आप अगर 29 और 30 में अप्लाई करते हो तो आपको मैक्सिमम पॉइंट मिलते हैं। तो इन्होंने इसलिए एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई किया, और वो 1.5 साल का प्रोसेस रहा। डेढ़ साल तब मैं प्रेग्नेंट थी, जब डिलीवरी हुआ उसके बाद जाके मतलब हम लोग का एक्चुअली PNP का फॉर्म है कि नाउ यू हैव बीन सिलेक्टेड। तो और एक चीज बहुत ध्यान रखना होता है कि इसमें बैंक बैलेंस थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है। अगर आपके फैमिली मेंबर्स ऐड हो गए, जैसे हम लोग में एक्स्ट्रा बेबी हुआ, तो बैंक बैलेंस भी दिखाना होता है कि भाई कनाडा जाके आप सपोर्ट में रह सकते हो, मतलब अपना पैसे कुछ दिन के लिए एटलीस्ट गुजारा के लिए रह सकते हो, एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स। तो वो चीज ध्यान में रखना। PNP था, कोई एक्सप्रेस एंट्री था? एक्सप्रेस एंट्री में भी बैंक बैलेंस दिखाना होता है। तो ऐसे बैंक बैलेंस दिखाना होता है कि 3 लोगों का पैसा 6 मंथ्स तक आप, आप तो हर प्रोग्राम में दिखा। मैं जिस प्रोग्राम में आई हूँ उसमें भी मेरे को पर पर्सन हमें 10,000 बोला हुआ था कि आपको दिखाना है कि 30,000 हो। हमने दिखाया था 30,000 अपना बैंक बैलेंस, क्योंकि हम टूरिस्ट वीजा पे आए थे, वो भी दिखाया था। तो वैसे भी कनाडा एक बहुत महंगी कंट्री है, आपको जब शुरुआत करनी होती है ना, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको 40+ एज में करनी है या 38+ में करनी है, तो बैंक बैलेंस तो वैसे ही आपका अच्छा होना चाहिए। कल कुछ हो जाता है आपको खुद सपोर्ट करने के लिए आपके पास पैसा हो। वैसे ही अच्छा देश है कि हाँ अपॉर्चुनिटीज अच्छी है और वो सब कुछ है। फिर आपके आने के बाद मतलब आपका क्या स्ट्रगल रहा? सबसे पहले क्या लिया आपने? बेसमेंट ली? सबसे पहले हम लोग आते साथ ही हम लोग कोविड के टाइम आए थे, तो जब आए तो काफी सारा जॉब ऑप्शन था, बट विद इन 6 मंथ्स सारे गायब हो गए। तो हम लोग का जॉब नहीं था फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि सबके लिए नया सिचुएशन था, एक डिफरेंट सिनारियो था। बट आफ्टर 6 मंथ्स थोड़ा थोड़ा कंपनी खुलने लगे, एंड देन वी स्टार्टेड हैविंग फर्स्ट जॉब। थोड़ा कम सैलरी था, तो हम लोग एक कॉन्डो में रहते थे, कॉन्डो हाउस में रहते थे। सबसे पहले आप कॉन्डो भी आए थे? बेसमेंट में नहीं आए? नहीं, कॉन्डो में रहते, पर ऐसे कम्युनिटी में रहते, पूरा इंडियन
इंडियन कम्युनिटी में ही रहे थे। सिटी कौन सी थी? टोरंटो मिसिसागा। अच्छा, तो हम लोग इंडियन कम्युनिटी में रहे ताकि हम लोग को सारा डिटेल्स पता चले कि भाई इस जगह में क्या होता है, क्या सपोर्ट चाहिए, एजुकेशन का क्या सिस्टम है। और डिफरेंट ग्रुप्स में भी शुरू में जुड़ना पड़ता है, जैसे अभी सुमन एंड मैं एक ग्रुप में जुड़े हुए हैं जिसमें सारे इंडियंस हैं, तो हम काफी पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, क्वेश्चंस पूछते हैं बार बार, और ऐसे हेजिटेट नहीं करना होता है। जब भी आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है आप पूछो, क्योंकि हमें ऐसे लग रहा होता है कोई क्या सोचेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो बंदा भी उस सिचुएशन से गुजरा होता है और हर बंदे की अपनी सिचुएशन होती है, सर्कमस्टेंसेस होती है, तो आपको हेजिटेट नहीं करना होता बेसिकली। तो ये सही बोल रही है योगिता, मेरे को भी काफी इन्फॉर्मेशन नहीं पता था। काफी बार गवर्नमेंट के मतलब ऑप्शंस मिलते थे कि भाई ये प्रोग्राम चल रहा है, इसके लिए गवर्नमेंट पैसा दे रही है $200 $300, वो आप बात नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा। तो बेटर है कि आप डिस्कशन करो, ग्रुप में रहो, ताकि अप टू डेट इन्फॉर्मेशन रहे आपके पास। चाइल्ड केयर के लिए दे रही है, चाइल्ड केयर में $500 पर बच्चा मिलता है। अगर तीन बच्चे हैं तो $1500 सिर्फ बच्चों के आ रहे हैं, और बच्चों की फीस कुछ नहीं है, फ्री में बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मेडिकल फ्री है। तो ये कितनी बड़ी बात है मतलब इस कनाडा गवर्नमेंट की। तो उसके बाद आपकी जॉब लग गई और फिर आप कोंडो में रहने लगे, और कोंडो में कितनी देर रहे आप? हम लोग ने ऑलमोस्ट 2.5 years कोंडो में रहे। तो पहले एक कोंडो में रहे, उसको हम लोग ने किसी को पता नहीं था तो ऐसे ही ले लिए, तो बहुत हाई प्राइस था, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक साल का रहता है, तो हम लोग ने काफी मतलब लोकली जितना दे रहे थे उससे ज्यादा देर पे करते। तो नेक्स्ट ईयर हम लोग ने और एक कोंडो में मूव किया, थोड़ा कम पैसे। क्या मंथली रेंट क्या था आपका? अराउंड 2500 था। तो 2500 तो वो दिया, तो फिर बाद में लगा बहुत ज्यादा सैलरी चल रहा था, और यहाँ पे जो भी सैलरी मिलता है उसका टैक्स बहुत कट जाता है, तो हम लोग इन हैंड के साथ मैनेज करना काफी दिक्कत हो जा रहा था। और मेरा भी जॉब नहीं था, सिर्फ हस्बैंड का था, और फर्स्ट जॉब जो होता है उसमें पे बहुत कम रहता है, क्योंकि आप नेगोशिएट नहीं करते उस टाइम, बस सोचते हैं कि भाई बस जॉब लग जाए, बस मिल जाए। तो वही हम भी अब अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हैं बेसमेंट से, और वो भी मैं एक वीडियो शेयर करूंगी। और तब हम दे रहे थे 1500-1600, और अब हम दे रहे हैं पूरा 1000 का, वो चेंज आ गया, हम 2500 दे रहे हैं। बट हाँ, कोंडो के अपने मजे हैं, बट कोंडो में 2500 मतलब कितना बन गया अप्रोक्सीमेट 150 है ना, मतलब 1,50,000 आपको अगर शुरू में जॉब नहीं है तो, अगर आप कोंडो में रहते हो तो 1,50,000 पर मंथ आपको देना पड़ता है। तो ये चीजें भी ध्यान रखने वाली हैं। और फिर खर्चे वगैरह हुए आपके, फिर ड्राइविंग टेस्ट वगैरह किए होंगे आपके हस्बैंड ने, कार आपने पहले पुरानी ली थी? हम लोग ने सेकेंड हैंड कार लिया, यहाँ पे फर्स्ट हैंड बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, तो हम लोग ने सेकेंड हैंड कार लिया, और अभी तक वो चला रहे हैं हम लोग का, ठीक ही चल रहा है। यहाँ पे सर्टिफाइड सेलर्स भी रहते हैं, तो हम लोगों ने गाड़ी लेने से पहले पूरा गाड़ी को चेकअप करवाया, उसके बाद लिया हम लोगों ने। यहाँ दो तीन चीजें होती हैं, डायरेक्ट भी ले सकते हो आप, और डीलरशिप से भी ले सकते हो। डीलरशिप का ये फायदा होता है कि वो आपको पूरा चेक वगैरह गारंटी वगैरह करके देते हैं। पुरानी कार जरूर होती है, 1-2 हजार महंगी हो जाती है, बट डायरेक्ट जब सेलर से लेते हो तो वो चीटिंग भी कर सकता है। अभी यहाँ पर हमारी एशियन जो थी कम्युनिटी है बहुत आ रही है, मैंने बड़े सारे केसेस सुने हैं कि ये चीटिंग तो करते हैं, कोई गड़बड़ हुई हुई है तो वो बताते नहीं है, और वो सब कुछ वो सब जगह ही हो रहा है, मार्केट प्लेस में भी ये चीजें हो रही हैं। अपनी कम्युनिटी है, और मैंने सोफा देखा और वो कह रहे सोफा बिल्कुल ठीक है, उसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है। मैंने कहा कवर उतार के दिखाओगे? कहते नहीं, कवर आप आके देख लो, हम इतनी दूर गए मतलब वहां पर, और जब मैंने सोफा देखा वो कवर उतारा, उसमें सारा जो लेदर नहीं होता वो श्रेड हो रहा था। मैंने कहा ये तो गार्बेज है, और लगाया हुआ है $150 में। तो कहते नहीं, ये ऊपर कवर के साथ बहुत अच्छा कंफर्टेबल है। बट मैंने कहा आपको पिक्चर तो बतानी चाहिए, और वो एक महीना लगने के बाद गार्बेज में फ्री लगाया उन्होंने, मतलब हमारा टाइम वेस्ट हुआ ना। तो ये ऐसे कर कम्युनिटी है जो बेवकूफ बनाती है, आपको अलर्ट रहना पड़ता है, आपको बार बार क्वेश्चन पूछने होते हैं, और तसल्ली करके ही कार वगैरह ये चीजें लेनी होती है। तो जॉब वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे? नहीं, उसके बाद हम लोग ने मेरे हस्बैंड ने नया जॉब चेंज किया, उसके बाद इन द मीन टाइम मैंने भी काफी पढ़ाई वढ़ाई की। यहाँ पे बहुत सर्टिफिकेशन का वैल्यू होता है, तो मैंने सोशल मीडिया में कुछ किया था। हाँ, तो मैंने गूगल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन किए, गूगल एनालिटिक्स का सर्टिफिकेशन किया, ऑलमोस्ट 1 ईयर तक पढ़ाई की, थोड़ा और 1 साल तक फ्रीलांस काम भी किया, ताकि हम यहाँ पे दिखा सके कि भाई मेरे को कनाडा का एक एक्सपीरियंस है। फ्रीलांस काम करने से पैसे बहुत बार मिलते नहीं है, बट एटलीस्ट वो लोग कमेंट कर देते हैं कि हाँ ये कनाडा का वर्क एक्सपीरियंस है, क्योंकि जॉब और एजुकेशन ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि इंडिया में तो आपको हर गली में मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर ऐसे मिलती नहीं है, और जब मिलती है तो उसकी बहुत वैल्यू होती है, एक्सपीरियंस की भी और आपकी एजुकेशन की भी। एजुकेशन कैनेडियन एजुकेशन कोई भी, उसकी वैल्यू बहुत है, और एक्सपीरियंस की भी बहुत वैल्यू है। यहाँ तक कि आप किसी के घर में क्लीनिंग भी करके आते हो ना, वो भी एक्सपीरियंस आपके उसमें लिखा जाता है, क्योंकि वो उसको वैल्यू करते हैं, वो भी आपकी एक स्किल है।
तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपकी काम वाली बाई है तो वो अपना एक्सपीरियंस नहीं शो कर सकती, यहाँ पर सभी चीजों की वैल्यू है सब। यहाँ पे काफी लोग ऐसे भी मिले हैं जो लोग मतलब नॉर्मल कॉफी शॉप में काम किए हैं, काफी शॉप्स में काम किए, उसके बाद उन्होंने प्रॉपर जो भी दूसरे कंट्री में काम कर रहे थे पूरा रियल काम करना चालू किया, जैसे यू नो कोई आईटी मैनेजर, इन द टाइम जो भी टाइम में पैसे तो लाना पड़ता है तो कहीं ना कहीं काम करके पैसे लाना है। और जॉब्स की आपने कभी, और जॉब्स मतलब सर्वर हो गया या फिर कहीं पर क्लीनर का काम हो गया या फिर ऐसी जॉब जो कि हम नॉर्मली हम कंसीडर नहीं करते बट हाँ फिजिकली डिमांडिंग होती है जो बहुत? नहीं मैंने वो काम नहीं किया है बट काफी मेरे दोस्त लोग कॉल सेंटर मतलब वो वाला नहीं बट कॉल सेंटर काम करते थे घर पे बैठ के ही, पूरा 9 to 5 मतलब उसमें उठना नहीं होता है, पूरा 4 घंटे आपको डेडिकेटेड कॉल पिक करना होता है, तो वैसे काफी लोग ने किया है और वो बहुत जरूरी हो जाता है। आप जितना ज्यादा यहाँ पे मेहनत करोगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। मेहनत कुछ भी हो चाहे आप मेहनत करते रहो, मेहनत का यहाँ पर रिजल्ट मिलता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्ट्रगल है यहाँ पर बट हाँ मिलता है। तो आपने अपना घर कब खरीदा, मतलब कॉन्डो से अपने घर में कब आई? ये जब जो हम वीडियो बना रहे हैं ये इनके घर में बना रहे हैं, ये टाउन हाउस है, और आपने ये घर कब खरीदा? हम लोग ने 2000 अभी इसी साल ही खरीदा है फरवरी में। कितने साल बाद कनाडा में आने? ऑलमोस्ट 3 साल, सोच लीजिए ऑलमोस्ट 3 साल के बाद। 3 साल के बाद इन्होंने ये अपना घर खरीदा है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल घर है। तो एक मतलब जैसे माइंड में होता है ना कि हम इंडिया में होते हैं, तो मैंने आपको बताया ना कि इतने इतने साल हो जाते हैं अपना घर नहीं बनता। यहाँ पर ये है कि ये इसकी वो मॉर्गेज तो दे रहे हैं हर पर मंथली बट हाँ कहने को अपना घर है, वो रेंटेड नहीं है, रेंट नहीं दे रहे, मॉर्गेज दे रहे हैं बस। तो ये चीज हो जाती है, उसके लिए क्रेडिट कितना इम्पोर्टेंस रखता है? क्रेडिट रेटिंग तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, अराउंड 700 चाहिए होता है। तो आप क्रेडिट कार्ड कैसे मेंटेन कर रहे हो, क्रेडिट रेटिंग अपना कैसे मेंटेन कर रहे हो? तो मैंने अभी मेरे जान पहचान में भी ऐसे हुआ है कि दो लोग काम कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं बट हस्बैंड के क्रेडिट कार्ड से हर चीज सामान खरीद जा रहा है, और लेट्स से वाइफ अपना कार्ड यूज नहीं कर रही पर उनके पास है। अगर आप यूज नहीं करोगे तो आपका क्रेडिट रेटिंग बढ़ेगा नहीं, तो एटलीस्ट आपको घर में डिवाइड कर लेना चाहिए भाई, कुछ तो खर्चा करा जाए दूसरा कार्ड में। या ऐसे ही हमारे साथ हुआ कि मेरा नहीं हो रहा था यूज, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम अपना लेकर जाएगा, तो मैं केयरलेस हो गई। अभी मेरे हस्बैंड ने हफ्ता पहले उसको प्रॉपर मेरे को दिया है कि ये जितने भी शॉपिंग करनी है तुमने करनी है, क्योंकि हम पहले दिन से जब टूरिस्ट वीजा पे आए थे हम पहले दिन से क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, उसी टाइम टूरिस्ट वीजा पे हमने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बनवा लिए थे विद इन 1 वीक। मेरे हस्बैंड बैंकिंग में बहुत अच्छे हैं, तो मेरे हस्बैंड की एक एम्प्लॉई है, तो कल हमारी उससे बात हुई, वो 2 साल से है यहाँ पर एज ए स्टूडेंट और उसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तू क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं बनवाती, 2 साल से तू यहाँ पर है, 1.5 साल से है शायद। तो फिर वो मेरे हस्बैंड ने उसकी हेल्प की और क्रेडिट कार्ड बनाया उसका। तो वही बात है कि आपको ये नॉलेज होनी जरूरी है, क्रेडिट कार्ड पहले दिन से रखो, अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बनाओ, अपने अकाउंट में पैसे दिखाओ, जितना वो पैसा दिखेगा उतना ही मकान के लिए आपकी पावर बनेगी और बैंक लोन देगा। हाँ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसी के ऊपर डिटरमाइन होता है कि अगर आपका 700 से ज्यादा पॉइंट है तो फिर आपको इंटरेस्ट रेट अलग मिलेगी, और अगर उससे कम है तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा हाई होगा। हाँ, तो घर इन्होंने ले लिया, इनका बच्चा डे केयर में जा रहा है, इनके हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, ये भी जॉब कर रही हैं, और ये कभी कभी फ्री होती हैं, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि आप मेरे को टाइम दो। और ये सबसे पहले इसलिए हैं क्योंकि सबसे एक्टिव मेंबर ऑफ हमारे ग्रुप है और इनको काफी नॉलेज है। जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ, कोई भी पूछता है, सबसे पहला रिप्लाई इन्हीं का आता है, और मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरी कैटेगरी में आती है क्योंकि मैं रिसर्च बहुत करती हूँ हर चीज की, तो ये भी बहुत रिसर्च करती है, इसी वजह से इनको नॉलेज भी काफी है। तो अभी रिसेंटली इन्होंने जी टेस्ट क्लियर किया है, अब ये कार चलाने के लिए ऑफिशियली एलिजिबल हैं, और ये स्टेप्स होते हैं कनाडा में, धीरे 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 यहां तक पहुंचता जाता है इंसान। जो मेन 5-6 बातें हैं मैंने आपको बताया था ना कि वो यही रहती हैं कि फ्री एजुकेशन, मेडिकल, और यहाँ का एनवायरनमेंट इतना खूबसूरती है, यहाँ पर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपके घर के बाहर ही आपको बहुत खूबसूरती मिल जाएगी, फ्रेश एयर, और लोग वर्क एथिक, मतलब एक जब सबसे बड़ी बात मेरे को जो अट्रैक्ट करती है वो वर्क एथिक है कि लोग काम की वैल्यू करते हैं और उसमें लॉयल है, ऑनेस्ट है, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब एक्सप्लोइट कर रहे हैं, होती है एक्सप्लोइटेशन, वो आप पे भी डिपेंड करता है, बट वो बड़ी सारी चीजें यहाँ पर डिफरेंस है। तो मैं लास्ट में इनसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ ताकि वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करें, और कि आपको ऐसी कनाडा आने के बाद 3-4 साल हो गए आपको, तो मेरे को 5 बातें ऐसी करो बताओ कि जो कि आपको अपनी कंट्री से या चाइना से मतलब यहाँ पर बेटर लगी हैं, और उसकी वजह से आप मतलब वैसे आप खुश हो, सेटिस्फाई हो ओवरऑल, चाइना से बेटर लग रहा है आपको कनाडा में?
दोनों का अलग अलग चीज है। यहाँ पर डेफिनेटली स्टेबिलिटी थोड़ा ज्यादा है, वीजा अच्छा मिल जाता है, तो आप कोई भी काम कर सकते हो, मतलब जो भी जॉब जॉब चेंज कर सकते हो, तो वो चीज काफी अच्छा है कनाडा का। प्लस अभी हम लोग यहाँ पे रह के पता चल रहा है कि एजुकेशन में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। जैसे यहाँ पे वॉलेंटरिंग काम का बहुत ज्यादा वैल्यू होता है, तो अभी हम लोग को पता चल गया। तो मेरे को पता है कि वो जब 10th क्लास में जाएगा तो उससे पहले उसको काफी ज्यादा वॉलेंटरिंग काम करना है ताकि वो पॉइंट्स बने। ऐसे वो कहने की बातें होती है, मेरा बेटा 25 दिन हो गए घर बैठा हुआ है वर्क परमिट लेके, और उसको हम कही जा रहे हैं कि तू फ्री में कहीं काम करा, हमें पैसे की जरूरत, तू अपना पैसा अपना खर्चा चला ले, वो बैठा ही हुआ है और गेम्स खेल रहा है। क्योंकि बच्चे को जब से तब तक अंदर से नहीं आता ना, और टीन एजर खासकर वो बाहर जाता नहीं है, मैं जाऊंगा कल चला जाऊंगा रेज्यूमे देने, परसों चला जाऊंगा, वो कल परसों पे डाली जा रहा है। बट ये कि हाँ फिर भी 8th 9th क्लास में उसको वो फोकस्ड है कि हाँ मेरे को पता है, और वो उसने हार्डवर्क किया है, अच्छे नंबर लिए हैं, और अब अच्छे स्कूल में उसका दाखिला भी हुआ है, यही हमारे पास में ही है स्कूल। तो बट वो फोकस हो जाते हैं 8वीं 9वीं में बच्चे, जैसे इंडिया में एज कम्पेयर टू यहाँ, वो तो 12th तक बच्चे फोकस नहीं होते, मतलब उनको पता ही नहीं होता उन्हें लाइफ में क्या करना है। तो वो दोनों कंट्री की इनको अपनी अपनी खास बात लगती है। तो अब मैं कुछ 3 या 4 बातें आप कनाडा की बताओ जो कि आपको बहुत अच्छी लगती है और आप अपने डिसीजन से खुश हो। और एक चीज अच्छा लगता है कि यहाँ पे कोई ज्यादा टोकने वाला नहीं है, सब कुछ खुद करो, कोई आके बोले ना तुमको जो टाइम में काम करना है काम कर लो, तो आके कोई कुछ बोलेगा नहीं। और फिर वही वर्क एथिक्स जैसे आप बता की बात कर रहे हो कि हाँ ऑफिस में ऐसा नहीं है कि 9 to 5 की जॉब है, आपका बॉस हर टाइम प्रेशर नहीं डालता, सिर पे नहीं बैठा रहता वो, मतलब अगर उसने कहा है ना A to Z आपको ये ABC अपनी कॉपी पे लिखनी है, तो वो आप चाहे 9 to 5 में 1 बजे लिखो 2 बजे लिखो, वो लिख के आपको कम्प्लीट करके देनी है। फॉर एग्जाम्पल वो आपको बार बार ही बोलेगा कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने A to 3 लिख लिया, सी तुमने ठीक नहीं लिखा, वो बाद में इवेल्युएट करेगा, आपको कमी बता देगा, बट वो फालतू में टोका टाकी नहीं करता। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है मतलब यहाँ के कल्चर और वहां के कल्चर में। और फिर जो भी जैसे इन्होंने बोला था वर्क एथिक्स में, काम करना है 5 बजे आएंगे तो 5 बजे आएंगे, मतलब पहुंच जाते हैं, और वो अपना सारा चीज डिटेल देख के जाते हैं, मतलब काफी वो चीज में पोलाइट भी है काफी लोग। और फिर हर देश के लोग से मिलने का मौका मिलता है, मल्टीकल्चरल है आपको वो। कल हमें बंदा मिल गया, कौन था, चाइनीज ही था, कहाँ पर हम गए थे, तो वो इतनी हमारी बातें हुई, उसने हमको 4-5 वर्ड भी सिखाए भी इसका मीनिंग ये होता है, और 2-3 फेस्टिवल बताए कि हम ये मनाते हैं। कई बार बैठा ही होता है बंदा तो डिटेल बातें फिर पूछने लग जाता है। परसों हमें एक कैनेडियन ही मिली, मतलब वो लेडी भी बड़ी नाइस थी, उनके साथ उनके एथिक्स हमें पता चले, वो कितने नाइस लोग होते हैं, उनके घर कैसे होते हैं, वो सब कुछ। तो ये कल्चर ऐसे जब हम मल्टीकल्चरल लोगों से मिलते हैं ना, तो वो भी हम बड़ी अच्छी बातें उनकी सीखते हैं। कई बातें मेरे को अपने बेटे के लिए बहुत अच्छी लगी। और अभी जैसे पहले हम गार्बेज का करते नहीं थे, थोड़ा डिफरेंशिएट, अभी मेरे को मतलब बेटे को सिखाने के लिए या अपने घर में कल्चर मेंटेन करने के लिए मेरे को अलग अलग करना पड़ा है कि यहाँ तुमने रिसाइकिल डालना है, यहाँ पर जो भी खाने का वेस्ट होगा वो डालना है, तो उसको मेरे को सिखा रही हूँ, तो वो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मेरा भी सेम एक्सपीरियंस रहा है कि वही डिवाइड करो गार्बेज, इधर अलग से रखो, वो बच्चे को सिखाते हैं, माइंड में वैसा हो जाता है, फिर जैसा एनवायरमेंट जैसा खाओ अन्न वैसा वैसा हो जाता है तन, तो वैसे ही जैसे यहाँ पर आप लोगों को देखते हो वैसे ही वही हवा चलने लग जाती है। तो ओवरऑल बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तो फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, वर्क एथिक्स, क्लीन एनवायरमेंट, और ये सारी ऐसी बातें हैं जो कि कनाडा के प्रति हमें अट्रैक्ट करती हैं। बट फिर भी आपका डिसीजन वाइजली होना चाहिए अपनी फैमिली के सर्कमस्टेंसेस को देखकर। और आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करती हूँ, नेक्स्ट किसी नई इमिग्रेंट्स के साथ हम बात करेंगे, उनका एक्सपीरियंस लेंगे ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।